Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. So today in H13 of English language we will complete workbook page number 37 and 39. Okay students, so let's start our class. So here is our page number 39. Okay students, so first of all we will mention here a day, and the day is 13. And the day is Monday, M-O-N-D-A-Y, day, Monday. And our unit is 1. And here you will write a date. Okay, student. So, our topic is articles. Okay, students. Our topic is articles. Articles kisko kehte hain? A, N and D ko. Okay, students. So, abhi aap just A एंड एन को लर्न करेंगे कि ए कहाँ पर यूज़ करते हैं और एन कहाँ पर यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो टॉपिक इज़ एन आर्टिकल. पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट्स. सो आर्टिकल्स किसको कहते हैं? ए और एन को. ओके, ए किसके साथ यूज़ होगा? कंसोनेंट वर्ड्स के साथ. किसके साथ? कंसोनेंट्स वर्ड्स के साथ. अब कॉन्सनेंट्स वर्ड्स कौन से होते हैं आपको मालूम है ना? एक तो होते हैं वोवल वर्ड्स. वोवल्स वर्ड्स कौन से होते हैं? जो फाइव होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू. दीज फाइव वर्ड्स आर वोवल्स वर्ड्स. ओके, ये क्या है? वोवल्स वर्ड्स है. अब कॉन्सनेंट्स वर्ड्स कौन से होते हैं? जो के वोवल्स को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी में, वो सारे क्या हैं? कंसोनेंट्स वर्ड्स हैं. ओके, लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एक्सेट्रा. ओके, जेड तक जो भी वर्ड्स वोवल्स वर्ड्स को छोड़कर हैं उन्हें हम कहते हैं कंसोनेंट्स वर्ड्स. एंड ए, ई, आई, ओ, यू, दीज फाइव वर्ड्स आर वोवल्स वर्ड्स. ओके, तो जो वोवल से वर्ड स्टार्ट हो रहा हो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? एन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वर्ड है एप्पल. अब एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से. तो ए कौन सा वर्ड है? वोवल वर्ड है. तो वोवल वर्ड से जो वर्ड स्टार्ट होगा इससे पहले हम क्या मेंशन करेंगे? ए एन, एन. ओके, एन एप्पल. जैसे एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन, एन एग. ओके, इस तरह से एन एम्ब्रेला. सो जो भी वर्ड्स वोवल वर्ड से स्टार्ट होंगे इसके स्टार्ट में हम एन यूज करेंगे, और कोई भी वर्ड्स अगर कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे तो उसके स्टार्ट में हम ए लिखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे बस. आ बस बी कौन सा वर्ड है? कॉन्सनेंट वर्ड है, तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? आ. ओके, केट. सी कौन सा वर्ड है? कॉन्सनेंट, तो हम क्या यूज करेंगे? अ केट. ओके स्टूडेंट्स, I hope you have cleared your concept about A and N. N किसके साथ? Vowels के साथ. और A किनके साथ? जो vowel words नहीं हैं simply उनके साथ A use करेंगे. Okay students, so now let's start our classwork. So students, here is an exercise A and here is a word pencil. Okay students, pencil. अब P vowel word नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? Simply a pencil. Okay students, ये क्या है? केक. ओके, तो सी क्या है? कॉन्सनेंट वर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? अ केक. ओके, एग. ई कौन सा वर्ड है? ए, ई, आई, ओ, यू. ई है वोवल वर्ड, तो हम क्या मेंशन करेंगे यहां पे? एन, एन एग. बॉल. बॉल क्या है? बी. एंड बी कौन सा वर्ड है? कॉन्सनेंट वर्ड है. ओके, कॉन्सनेंट वर्ड है, तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? अ बॉल. इंक पॉट, इंक की बॉटल है. ओके, इंक पॉट. ए, ई, आई. आई कौन सा वर्ड है? वोवल वर्ड है, तो हम यहां पर मेंशन करेंगे एन इंक पॉट. ओके, आवर सिक्स वर्ड इज ऑरेंज. ओ कौन सा वर्ड है? वोवल वर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? एन ऑरेंज. फैन. फैन किससे स्टार्ट होता है? एफ से. एफ कौन सा वर्ड है? कंसोनेंट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अ फैन. अम्ब्रेला. ओके, यू इज एन वोवल वर्ड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? एन अम्ब्रेला, ए एन एन. एप्पल. ए इज
a vowel word, so here we will write an apple. Hen start from h, तो हम यहाँ पे क्या mention करेंगे, a hen, because h is a consonant word. Okay students, we have completed a page number 37. Now we will move on page number 39. Okay students, so our topic is same, articles. Here we will write our day, and our day is 13, and the day is Monday, and a unit is 1, and here you will write a date. Okay students, so our exercise A is draw picture and write A or N before each of these nouns. यहाँ पर हमें sentence दिए हुए हैं students, और यहाँ पर blanks हैं, और blanks के बाद क्या है, nouns हैं. तो अब इन nouns को हमें देखते हुए यहाँ पर A और N को fill करना है, जैसे हमने previous page पे fill किया है. Okay students, so here is the first sentence, and the sentence is I am eating dish orange. Orange क्या है, O क्या है, वॉवल वर्ड है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन. आई एम ईटिंग एन ऑरेंज. सेकेंड इज एप्पल. एप्पल क्या है, वॉवल वर्ड है, ए. सो हियर वी विल राइट एन. आई लाइक टू ईट एन एप्पल. नंबर थर्ड इज आई वॉन्ट टी शर्ट. ओके, यहाँ पर क्या है, एस. एस वॉवल वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अ. आई वॉन्ट अ शर्ट. नंबर फोर इज आई डू नॉट लाइक टू कीप डैश डॉग. मुझे डॉग को रखना पसंद नहीं है, तो यहाँ पर डी जो है वो कंसोनेंट वर्ड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आ. ओके, आई डोंट लाइक टू कीप अ डॉग. ओके स्टूडेंट्स, अवर सेंटेंस फाइव इज आई हैव डैश केट. मेरे पास केट है, सी कंसोनेंट वर्ड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आ. आई हैव अ कैट. नंबर सिक्स इज सारा इज डैश गर्ल. सारा इज अ गर्ल बिकॉज जी इज अ कंसोनेंट वर्ड, सो हियर वी विल राइट अ ए. नंबर सेवन इज शी वॉन्ट्स टू ईट डैश आइसक्रीम. वो आइसक्रीम खाना चाहती है, एंड आई क्या है, वोवल वर्ड है, सो शी वॉन्ट्स टू ईट एन आइसक्रीम, ए एन एन. आई सी डैश आंट ऑन माय टेबल. मैंने जो है वो अपने टेबल पे क्या देखी है, आंट देखी है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंट स्टार्ट फ्रॉम ए, सो ए इज अन वॉवल वर्ड, सो हियर वी विल राइट एन. आई सी एन आंट ऑन माय टेबल. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लास वर्क, नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क. सो स्टूडेंट्स, इन होमवर्क you will complete workbook page number 38 and 39. Okay students, you will complete workbook page number 38 and 40. So here is a page number 38. यहाँ पर आप day mention करेंगे, date mention करेंगे, topic same है article का. यहाँ पर आपको pictures दी हुई हैं, पहले आपने इन पर ट्रेस करना है और इनके नाम लिखने हैं A and N के साथ. Okay students, and page number 40, topic same. आपको यहाँ पर pictures दी हुई हैं, अब आपने यहाँ से start करना है, जैसे A, a pen, and egg, and umbrella. Okay students, so I hope you have cleared your concept about articles. Take care students, have a blessed day, Allah Hafiz.